दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रविंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं संतोष होम्यो के रुड़की के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज एक समस्या और उसका होम्योपैथिक सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, आपके नहीं तो आपके बच्चे के बहुत काम आने वाली है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और बताई गई होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे और उसका फ़र्क देखेंगे। दोस्तों अगर आप बैंक में जॉब करते हैं या आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पे आपको गर्दन झुका के कोई काम करना पड़ता है, जिस तरीके से स्टूडेंट कुर्सी मेज पर बैठकर पढ़ते हैं और कई कई घंटों तक पढ़ते हैं, वैसे तो ये दवाई खास करके स्टूडेंट के लिए होती है, लेकिन जो गर्दन झुका के काम करते हैं, जो कई कई घंटों तक एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, वो हो सकता है कि कोई बैंक कर्मी, हो सकता है कि कोई बड़ा कंपनी का कोई आदमी हो सकता है, या लैपटॉप पर अगर आप काम करते हैं, या लैंप में आप पढ़ाई करते हैं कुर्सी मेज पर बैठकर, और जिसमें गर्दन झुकी रहती है, और उनको कुछ समय बाद सर्वाइकल एरिया में, इस एरिया में पेन रहना शुरू हो जाता है, पेन कई बार कंधों तक जाता है। तो इसके लिए वैसे तो बहुत सारे होम्योपैथिक पेटेंट हैं, आप स्पोंडिन ले सकते हैं सर्वाइकल पेन के लिए, या आप अगर लेफ्ट में है तो अलग मेडिसिन है, राइट में है तो अलग मेडिसिन है, इस तरीके से आप कई सारी दवाइयां ले सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक की मेडिसिन जिंकम मेटेलिकम, जिंकम मेट के नाम से जो दवाई है वो 200 पोटेंसी की आपने लेनी है, 3 से 4 बूंदे हर रोज़ सुबह 1 चम्मच ताजे पानी में खाने से पहले, कम से कम 1 हफ्ता आप इस दवाई को लीजिए और आप देखेंगे कि आपको जो पढ़ते वक्त वो दर्द होता था जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाते थे, आप अपनी जॉब नहीं पूरी कर पाते थे, इस तरीके की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।